Pastor Okse Park put that program in my heart. 반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 뭔 문제가 뭔줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때. When the heart that it's not gonna work arises, 격을 해야 돼. You have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어 있으면, If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다풀 수가 있어. No matter what problem you face, you can solve it all.

네 출애굽기 21장 2절에서 6절까지입니다. 니르21아2 6히브리 종을 사면 그가 6년 동안 생길 것이요 제 7년에는 갑없이 나가 자유할 것이며. יִשְׁתּוֹם קוֹי ע 6 और सातवें वर्ष तुक्तंश्रों तो 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 का सेंट में चला जाए।, जाए। यदि वो अकेला आया हो, तो अकेला ही चला जाए। यदि पत्नी सहित आया हो, तो उसके साथ तो उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो, और उससे उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के साथ ही रहे परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर तो 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 के तो बाजू से पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे तो

구형에서 사형을 받았었고요. 또이 그래서 노예에서 15년 형을 받고 또 어, 15살 에교도 살면서 일년 추가 형을 받아서 16년을 더 살았습니다. ल े이처음 사형을 받았을 때는 굉장히 어, 암담했습니다. जब मुझे मौत की सजा सुनाई गई तो मुझे मेरे जीवन में कोई आशा नहीं दिखी गे हालांकि मैंने पाप किया था लेकिन मेरे मन में मुझे जरा भी दुख या जो मेरे मन की इच्छाओं से मेरा मन पूरी तरह से भर गया था और मुझे बस तुरंत जेल के बाहर निकलना था 이제 빨리 나가야 돼. 이런 생각들로 가득 차 있어. 교도 교도소 생활이 너무 답답했어요. 교그 교도소 생에서 사고를 치고 문제를 일으소에서 사고를 치고 문제를 일으그랬고 그랬었는데. 사고를 치에서 사고를 에서사고서 사고를 치그서 तो मैंने बहुत सारी परेशानी की इसलिए मुझे अकेली काल में दाल दिया गया। तो मैं वैसे पे अकेला रहता था। तीन से चार साल मुझे अकेले काल में रहना पड़ा। तो मेरे मन में मुझे बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था

सबसे सबसे ज्यादा विश्वास अपनी तबीयत तबीयत पे था। लगता कि जो मेरी है है। वो अच्छी लेकिन अचानक से मेरी जो तबीयत बहुत खराब होने लग गई तो मैं एक बीमारी से झगड़ा कर रहा था तो एक साल तक मुझे

그때 제가 있었던 교도소에 사형수가 한 다섯 명 정도 있었는데 또그 사형수들하고 같이 지내면서 또격적인 그그 일들이 참 많이 있었습니다. 저는 사형을 받으면 그래도 이제 내일모레 죽으니까 마음이 넓어지고 मुझे लगा कि जिनको मौत की दी है वो बहुत ही अच्छे उनका दिल बड़ा 봤습니다. लेकिन ये लोग ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते थे जो जगह कम है और जो लोगों को मौत की सजा सुनाई दी गई है वो विटामिन भी दो खाते थे गोलिया, गोलिया जिससे उनकी तबियत अच्छी हो ऐसी खाते थे वो आ, दो, तो मुझे नहीं समझा ये बात। आ, ये आदमी परसों मरने वाला है ये क्यों अपनी तबीयत की इतनी अच्छी देखभाल कर रहा है लेकिन मैं उनका न्याय नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी वैसा ही जीवन जी रहा था 그러다 저는 병마라는 사형장에끌려가기시시했는데또마이가에 제가 잘 아는 사람이 그날 사형 집행을 당했습니다 또 미라 एक ब ह 있었는데요 제 방인데 2층이었습니다 미라 ज 에 있었다 그 다음에 사영장이 보였어요 त जब मैं नीचे देख रहा था मैंने देखा कैसे आ, वो में, मौत दी जाती को तो सुबह में उस व्यक्ति को एक सूप दिया जाता था।, आ, आ, था। अगर उस दिन आपको वो सूप मिल गया मतलब है उस दिन आपकी मौत होने वाली है, होने वाली है तो हर आदमी जिसको मौत की सजा मिली है वो बहुत डर के रहते थे

그러면 제 마음에 그때부터 이상한 일들이 일어나기 시작했습니다. 자꾸만 옛날의 죄악들이 생각나기 시작했어요. 저 마음에 한없음이 한없이 후회가 됐어에 한없이 한없이 이 한없이 후회가 그리고 제 마음에 한없이 한없이 후회가 됐어요. 그 그리고 그리고 제에 한없이 한제가 됐어요. 그리고 제 마음에 한없 아, 인생이 이렇게 쉽게 갈줄 알았다면 अगर मैं जानता कि मेरी जीवन इतना आसानी से जा सकता है 내가 왜 그렇게 살았을까 तो फिर मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया 그런 후회가 되기 시작 और मुझे बहुत ऐसा निराशा ऐसा होने लग गई जो 가족들에게 아픔을 줬던 것 जो मैंने मेरे परिवार को परेशानी दी है 나를 만나는 사람들에게 상처를 줬던 것 जो मेरे सब दोस्तों को जो मैंने परेशानी दी उनको जो मैंने बुरा चीजें कही है मैंने 제약들이막 떠오르면서 저를 굉장히 괴롭혔습니다 Or in is cheez ke wajah se main khasha 상처를 주고 아픔을 주는 그 일들을 합니다. क ा 인생이 그랬습니다. मेरा ज 사 व न व 상처를 받고 जो लोगों से मैं मिला उन सबको परेशानी हुई तो जो लोग मुझसे मिले है, उनको सिर्फ परेशानी और जो मुझसे मिले हैं, उनका जीवन बहुत ही परेशान अगर मैं जानता था कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ देखो ये तो मैंने ऐसा जीवन क्यूँ चिया

तो जो प्रिजन के ऑफिसर्स है उन्होंने मुझे जो, जो हमारे जेल में पास्टर उनसे मिलाया तो ये एक आदमी ऐसा था ये बहुत ही प्रसिद्ध पास्टर, तो पास्टर था। एक हफ्ते हाँ में बार मिलता था। तो उन्होंने मेरे साथ बाइबल स्टडी की हमने बहुत अच्छा समय बताया

इस जेल में एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही बड़ा पाखंडी है इस आदमी को मिल के जो वो कहता है कभी नहीं करना। तो चाहिएगा वो रोकता हुआ ये ऐसा आदमी है जो पाप करता है लेकिन कहता है कि वो धर्मी है ऐसा आदमी बहुत ही बड़ा धोखेबाज होता है

그리고 교도소 안에서 또 목공장에서 일하다가 을또 사람을 죽였습니다. 그데 또또 저희는 자기는, 자기는 죄가 고 얘기했어요. 특히 이렇게 해라 했기 웃으며 거의 밥은 이해해 자기는 의인이라고 했습니다. 뭐 이렇게 해라 그렇게 해라 해요? 뭐 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 그렇게 해라 해요? 뭐요 그렇게 해라 해요? 뭐 그렇게 해라 해요? 뭐그렇요뭐 그렇게 해라 해요? 뭐 그렇게 해라 요뭐 그렇게 해라 라 해요? 뭐그렇 그렇게 해 그렇게 해 그렇게 해라 해요? 뭐그 해라 해요? 뭐그렇 이바 사람 이딴이 맞구나. 저 사람 어 얘기하면 안 되겠구나. 독일은 메스 이거, 이그거 사람아 저 얘를 안 하려고 피했습니다. त ु데 문제는 제 마음이였습니다. 제 마음에 이 없고 제, 마음에, 어, 제 때문에 오는 고통이 많았습니다. मेरे मन में बिल्कुल आराम नहीं था और मेरे मन में बहुत दुख था से। में, में, भुएंगी भुएंगी तो अगर सची स्वर्ग और नरक है तो मैं इस न्याय को टाल पाऊंगा और मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा जाऊंगा तो परमेश्वर कहता है कि वो पापियों का और धर्मियों का न्याय करता है तो मेरा उद्धार हो सकता है 아, 그 부분에 대해서는 분명한 저는 확신이 있었습니다. 대는 제가 분명한 저는 확신이 있었습니다. 가 지나간 과거를 되돌아보면 자랑같이 뭐 하나도 없었습니다. 만약의 삶을 는 분명한 이있다 제가 지나간 과거를 되돌아보면 자랑같 하나도 없었습니다. 에 저의 삶 분명한 확신이 있습니다. 제가 지나간 다는 분명한 확신습니다 지나간 과거이하다면 분명한 확신이 있 지나간 이다의는 확신이 있습니다. 지간습니다

जेल में रह के बिल्कुल तो खुश है, है को है है, और वो वो कह रहा है कि वो धर्मी है, पवित्र है। हाँ तो एक तरफ मुझे गुस्सा आता था। तो कैसा आदमी है ये तो था। एक तरफ ये कहता है कि उसके उसके उधार के बारे में उसे विश्वास है मुझे बहुत अचंभा हुआ और ये आदमी मुझसे बड़ा था उम्र में कहा मैंने उसे पूछा बड़े भैया आप कौन है कैसे हुआ गुणा। मुझे ये जानना था उसका उद्धार कैसे हुआ एक मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है अगर आप यीशु पे विश्वास रखते हो आपके पूरा परिवार लेकिन उद्धार के बारे में मेरे पास विश्वास नहीं था तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा तो ना। क्या तुम्हारे मन में पाप है मैंने कहा तो जब पापियों का न्याय होगा तो आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे मैंने उससे कहा कि मैं जरूर नरक में ही जाऊंगा तो उसने पूछा कि क्या तू पे विश्वास करता है मैंने कहा हाँ

उसने कहा तू यशु पे विश्वास नहीं कर रहा है। आई 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 मैंने म, मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ पहले मैं बहुत परेशानियां खड़ी करता बहुत अच्छा बर्ताव करता के साथ संगति करता और मैं एक कंपटीशन में भाग के बारे में बताना है लेकिन उसने फिर भी कहा नहीं तू ऐसू पे विश्वास

दस, दस बजे बारह बजे सुबह तीन बजे तक बाई बाई है। तो मैं ये किताब इतनी मैं पढ़ना शुरू कर दिया भैया तो, 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 तो मैं उसे उठाता था, था मुझे नहीं समझा किताब में क्या लिखा है लेकिन उसने एकदम अच्छी तरह से मुझे समझाया

그다 이루었다는 의미는 뭡니까? 그분이 우리 십자가에서 우리 죄를 씻는 일을 다 이루었다. इ स क 우리 है. 우리를 구원하는 일을 다 이루었다. 내가 창고 갈시도록 다 이루었다네. 다 이루었다는 그 한마디가 제 마음에 깨달아지면서 그날 man 새벽 세 시에 제 마음에 제가 무너지는 걸 봤습니다. 또 새벽 3시에, 봤습니다. 예수 그리스도의 십자가 피로 내 모든 죄가 깨끗하게 씻어지면서 그때 제 마음에 새벽 3 시경 됐을 때 마음에서 후, 하고 한숨이 나왔습니다. 제 어깨에 제 마음에 지고 있던 그무거웠던 죄악들이 짐이 제 짐들이 예수님께 넘어가는 순간이었어. 니 उस वक्त ज स म ं चल रहा था मुझे समझ मेरे सारे दुष्ट पाप खत्म हो गए. 고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. 어이 사람이 लोग जो उनके श ु कहता है कि तुम्हारे स पाप मेरे पास ल े क मैं त ु म ् ह े आराम द ू ग ा 그때 내 모든 죄 짐이 예수님께 넘어가면서 मेरे सारे मन के पाप श ु के पास चले गए. 그때 제 마음에 참된 마음의 자유가 오기시작했습니다 진리를 알지니, 진리가 나를 자유케 하리라. 그때 예수님이 십자가 피가 미쳐지면서, 내마음의 참된 자유가 자유가 내 마음에 니다 그때 나는 예수의 레니다 진리의 자유가 는 그때 나는 예수의 니다진리

이제 행복이 찾아오기 시작했어요. मेरे मन में ब ह 네, 바뀌지 않았는데 저는 아주 카심 하이도 너무 고통스러고 너무 제 짐이 무거워서 괴로운 시간들을 보냈습니다. 근데 겨우서 행 전혀 달라지지 않았지만 제 마음의 1991년도부터

उस दिन से मेरा जीवन जेल में बहुत ही आनंदी था जो 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 मेरा मन बदला उस दिन में इतना खुश था लिए लिए तो उस दिन में उस पास्टर का इंतजार कर रहा था हाँ पास्टर बहुत खुश हो जाएगी क्यूँकी मैंने 내가 झ 디에 나갔던 인간 이 예수님 내 마음에 영접했어. 내아드예수만라해사님기다리셨는내파라 목사님 오셨어요 र 목사님. 파스터. 십시오 파스터 बहुत खुश 야. 내가 받았습니다. 내가 어제 예수님 피로 제사함 받아서 나도 구룩하게 됐고 옳게 됐어 께후께사둘 그럼 저는 그 목사님이 너무너무 기뻐하실 줄 알았어요. 두 예수님께 갑자기 그목사님 얼굴이 창백해지시면서. 는 내가 너그 이단하고 얘기하지 말라 는데그사람 얘기했구나. 아니요, 목사님. <놀람> 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 저는 예수님 십자가의 피를 믿었습니다. में के लहू पे जो क्रूस विश्वास करता हूँ। है अभी तक आप हफ्ते में एक बार आके मेरे साथ बाइबल स्टडी करते थे ये आपने मुझे क्यों नहीं कहा क्या है यशु को क्रूस पे मरना देना और आपने कहा कि पाप करे दुल करे दुल ये सिखाया आपने? चन्य चन्य ये तो कल रात को मैंने इस चीज पे विश्वास किया है ने के लहू मेरे पाप ले गया। सारे पाप धुल गए हैं। है ल 사님파 목사님이 저한테 예수님 십자가 피가 우리 죄를 씻었다고 가르치시지 않았습니까? क ् 근데 목사님, 예수님 십자가에서 우리 죄를 씻지 않았습니까? क्या यीशु के लहू ने हमारे प 시해 근데 목사님, 그럼 우리가 목사님 죄인입니까? 파 그럼 우리가 다죄인지

पास्टर आप इस सत्य पे विश्वास नहीं रखते कि हमारे पाप धुए उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ तो आप आप नहीं। नहीं, आपको लहू पे विश्वास करना चाहिए आपको विश्वास करना है कि आपके भी पाप धुल गए गुस्सा आया और उसने कहा कि तुझे भूत लग गया है और उसने मेरे सर पे हाथ लगे ये सो के शैतान को कुरुक्या काटते रहा है उसने कहा कि शैतान तेरे मन में आ चुका है तेरे मन के शैतान को निकालना चाहिए तुझे और उसने अपने हाथ मेरे सर पे रखे जबसे उसने हाथ रखे और उस दिन के बाद से वो मुझे मिलने कभी नहीं आया 그리고 제가 그 목사님하고 어, 만날 수가 없었는데 그때 91년도에 제 교원을 받고 나서 저 무교 제 새로운 삶을 시작하기 시작했어요 म 똑같이 그 쟤는 몸이 교도소 안에 갇혀 있지만 너무 두렵고 답답하고 मैं बहुत डर साल के रहता 1년도 이후에 ल े 여전히 교도소 감옥 안에 이 있었지만 마습니다한 번도 저는 불행해 보지 않았습니다 저는 그때 제삼거남의 비밀 책을 보았 और उस बार मैंने पापो की क्षमा का जो पुस्तक था वो चार 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 तो मैंने उस किताब की जो लिखने वाला उसको मैंने ढूंढ के उसको, उसको एक पत्र लिखा और उस पास्टर ने मुझे जेल के अंदर बाइबल स्टडी करने के लिए लगाया

있대, 할까, से जेल में नहीं जेल अगर लेकिन मैं बाहर गया और फिर से जेल में आया तो मेरा जीवन खत्म हो जाए. जाएगा ऐसे विचार मेरे मन में पूरी तरह तो समा गया मुझे जेल में कभी नहीं वापस आना तो लेकिन 16 साल जैसे मैं जेल में था मैं सोच रहा था सुमाने बहुत सारे जो जेल लग लग जो जेल जेल में लोग हैं, से बाहर जाते कि मैं कभी जेल वापस नहीं आऊंगा और वो निश्चय करते कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा देख सर तो क्या वो वापस जेल आते हैं या नहीं आते 시간이 지나면 음... 다시 들어오는 거예요. 이ै स े वह जाता ह 용 생활을 잘했던 사람들이 있는데 이그 사람들이 누구냐면이교지도자들이었습니다 불교회장, 천주교회장 이런 사람들인데। 저...

मैंने बहुत सोचा इस बारे में अबोजी अबोजी खाया मेरे पिताजी बाहर तो मैंने सोचा मैं अपने पिता के के साथ पास गया मैंने जेल में बैठ के विचार किया मैं पिता के साथ तुझे बहुत परेशानी हुई है कहा तो पिताजी आपको भी बहुत परेशानी मेरी वजह से 있는데. और, और मैं और मेरे पिताजी से बात करे समय और अचानक से मैंने सोचा कि मेरे जो गांव के दोस्त है वो मुझे मिलने आते है किसान कैसा है तू खुद मानता अरे हमने कितने काम किए साथ में दो मौका जेल में था तुझे हम मिलने नहीं आ पाए माफ करना है आ, तो जेल के से आ गया अरे वाह तो थोड़ा आ, पार्टी ने करते हैं मैंने सोचा कि ये सब चीजें जरूर और मैंने जब इस क्षण तक सोचा ना मैंने सोचा कि हाँ मुझे जेल के बाहर जाना चाहिए मेरे मन में ये चीजें थी मुझे मेरे पिता को मिलना भी चाहिए लेकिन मेरे दोस्त भी मुझे मिलने आएंगे और मेरे गांव के दोस्त अगर मिलने आए तो मैं पक्का उनके साथ शराब पीऊंगा शराब पीऊंगा मैं पक्का वापस जेल आऊंगा मैंने पक्का सोचा यह तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे अपने पिता के पास तो मैंने सोचा मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मैंने उस को फोन किया। हम जिस आदमी ने एक किताब लिखी थी पाप शमा के बारे में, इस तारीख को इस महीने में लेकिन मुझे कहा जाने के लिए जगह नहीं है क्या आप मुझे स्वीकार करोगे आप जो कहोगे मैं वो करूंगा अगर पास्टर आप कहोगे बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा जाऊ अगर आप कहोगे लेट जाओ मैं लेट जाऊ अगर आप कहोगे खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो जाऊंगा लेकिन कृपा करके मुझे जेल में वापस ले आना। सोलह साल में यहाँ था लेकिन मुझ में ताकत नहीं है खुद पे नियंत्रण रखने की आप मुझे चलाइए

Guard 교도관 총두고 있으니까. 교도관이 나가면 나가야 되고, 서있으면 서 있어야 됩니교도관는 우리 마음대로 할수 있는 곳이 아니라. 는곳니라 우리 마음대로 할수 있는 곳이 아니라. 는곳니라 교도관은 우리 마음이 아니라. 있는 니라 तो जेल में तीस मिनट आपको मिलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो हमको बस पंद्रह मिनट मिलते हैं बाहर जाके अंदर आके पंद्रह मिनट ही मिलते हैं हमको मैंने एक बार एक गार्ड को कहा मैंने उससे कहा कि पंद्रह मिनट बहुत कम है एक बार मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त देता है क्या मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करनी है तो जो मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करनी है उसने नहीं कहा तो नहीं मैंने क्यों दोस्त तो ने मेरे हम대로 할수 있는 것이 아니거든 क्योंकि जेल ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप चाहे जो कर सकते हैं जेल में आप सारे पापों को क्यों हरा सकते हो? आप बदल हो बदल गए इसलिए नहीं। कि आपको नियंत्रण में रखा है जो जेल के गार्ड है तो इसलिए मैंने पास्टर को पत्र लिखा कि मैं 16 साल जेल में था। 범죄를 안 하고 마약도 이기고 범죄를 이길 이기 수 있었던 것은 사드럭스 사레 파하라야도관 선생님이 다스려줬기 때문에 인간이 다스림를 받고 인도를 받을 때 도저 म न ु ष 살고 가장 행복한 삶을 살수 있구나. 하나의 을한테 하나님이 가르쳐

तो एक इंसान को जब कोई चलाता है उसको नियंत्रण में रखता है तभी वो खुश रह पाता है को तो ये पहले अगर कोई मुझे नियंत्रण करता है कोई मारता है तो मैं उसके जब कोई मुझे चिल्लाता था मुझे बहुत गुस्सा आता था देखा नहीं कहा लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकता तो अगर कोई मुझे चला रहा है ये मेरे लिए आशीर्वाद है। जाएं जाएं। तो ये जो भावना मेरे मन में बिल्कुल हालांकि मेरा शरीर जेल के बाहर है उल्टा रे लेकिन मेरे आ, मन के अंदर जो भी दीवारें थी उसको मैंने तो बैसे क्योंकि उन अंदर जिस एक इंसान को जो चाहिए वो नहीं कर सकता, उनको चाहिए वो वो नहीं नहीं उनको कर सकते तो मैं हालांकि जेल के बाहर निकला लेकिन मैं एक दूसरे जगह पर चला गया, गया। जिसकी वजह से मैं खुद और मेरा

तो मैं चर्च में सब कचरा लेके जाता भागो था और टॉयलेट बाथरूम चर्च में साफ करता था तो और सब चीजें जगह पे लगा था लेकिन मैं इतना खुश था तो जैसे मैं ऐसा जीवन जी रहा था एक साल हो गया एक साल हो गया अब तक मैं जेल नहीं गया वाह एक साल हो गया मैं जेल नहीं गया ये एक चमत्कार है मैं इतना धन्यवादी था

그, 그가 6년 동안 주인을 섬기되, 그 주인은 7년이 되면 종을 자유의 몸으로 돌려줘야 된다. 그로가로 왔으면 단신으로 나갈 것이로돼 장가 들었으면 그 아내도 함께 나가려니와. 상전이 그에게 아내 주무, 아내를 주무인해서 아내가 자녀을 낳으면. उसके स्वामी ने उसे पत्नी दी और उससे बेटे बेटिया उत्पन्न हो, को आने वाला तो, तो उसे अपनी पत्नी और बालों को, को स्वामी के साथ रख कर जाना चाहिए वे पाले इसे एक दास की तरह से क्यों बेचा गया का? क्या उसने कुछ अच्छा किया रहेगा इसीलिए क्या वो यशस्वी था इसके लिए ऐसा नहीं है

वो नाकामयाब हो गया इसलिए उसे एक दास करके किसी घर में बेचा तो गया जो कामयाब लोग है वो दास नहीं बनते उसे बेचा गया क्योंकि वो पूरी तरह नाकामयाब हो गया

अभी तक मैंने अपने आप पे विश्वास किया लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ संगी को सारा क्या मैं खुश था जब मैंने मेरे मालिक की सेवा की

내 문제가 아니고 다 주인의 문제였고. 예 주인이 나한테 안내를 줬고. 나에게 주인의 은혜로 내가 자식을 얻게 되고, 아내를 얻게 되고. 의의에이게 나에게 아이고아 나에게 고내 말릭의 데아 덕분에 나에게 아이를 얻게 고내 말릭의 데에 나에게 이 그래서 저는 더 이상 자유하고 싶지 않습니다상 종이 진정으로 말하기 5절입니다

그상전을섬기려 했습니다. त 그이 진정으로 말 내가 상전과 처자를 살아가는 이랬습니다. तो उ स न 섬기고 살아온 삶에 그 훨씬 더 행복했습니다. 그러면 이사람 재판장에 가서, 재판장에 가서 छेद कर दिया गया खिरड़ता तो अगर आपके कान में छेद किया उसका अर्थ होता है आपका पूरा जीवन आय दुईने उस कान से छुरी वही क्या उस कान से वो सिर्फ अपना मालिक जो कहता है वही तो सुन पाएगा। सार्मी सार्मी और किसी के द्वारा चलाया जाना मतलब, एक दास का जीवन। नहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि तो सो कि आपके मन के आने वाली इच्छाओं को आपको नहीं सुनना है अभी मैं सिर्फ अपने मालिक की बात सुनूँगा और ये कान में छेद करना इसका यही अर्थ होता है तो इस दास ने अपना स्वतंत्रता को त्याग दिया क्यो? क्योंकि अपने स्वामी की सेवा करना एक बहुत आनंदी जीवन तो कुछ जेल के लोग जब वो बाहर स्वतंत्र होते हैं सोचते हैं मैं अभी आजाद हूँ ये, ये आजादी है तो दो अपने दोस्तों को मिलते हैं तो शराब पीते है तो लड़कियों को मिलते है जिसे चाहिए उससे मिलते है वो ऐसा जो ऐसी जो आजादी होती है ऐसी आजादी उनको वापस जेल में ही लेके आती है मैंने अपनी आजादी वापस कर दी 내가 내 자신을

마누샤 하나님은 인도를 받고 타세를 받을 때, hai, 가장 큰 신을 누리고 자유를 누리고 행복을 누리도록 이렇게 만들어졌다. Sac 그들의 마음 तो वो जो दरवाज़े के पास उनके कान में छेद कर दिया गया, जाय। जाय। गो गया गो इसका मतलब है उसने अपनी सारी स्वतंत्रता त्याग करके अपने मालिक की सेवा करने में रह गया जब मुझे 2003 में आजाद कर दिया परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया 아 인간은 다스림을 받고 인도받을 때 행복해져. मनुष्य आ न न ् द 지금 교회 안에 들어 와서 하나 하나님의 인도를 받고 다스림을 받게 되면서. 어주 너무 행복한 삶을 살고 있는데. 저는 ब जी 교도소에 있는 제가 죄들이 जो जेल में ज

तो अगर मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा मैं पक्का जेल वापस जाऊंगा सोलह साल मैंने जो जेल के गार्ड ने कहा मैंने तो अभी मुझे परमेश्वर के दास के द्वारा चलाया जाना चाहिए तो जिसे परमेश्वर का दास मुझे चलाता था मैं एक बहुत ही पवित्र जीवन जी रहा हूँ और मुझे ऐसा मन है की मैं बहुत आनंदी जीवन जीरो तो मुझे जेल के जो लोग हैं उनको ये सिखाना था तो बहुत सारे जेल के जो लोग हैं उन्हें गलत फहमी है ये का उनको लगता है कि जो उन्होंने प्रयत्न किया उसकी वजह से वो बदल गए ऐसा नहीं है ही वी वी पाप के ऊपर जीतने की शक्ति हम में नहीं है वो तो हम पापों के ऊपर जीत पाते जब हम परमेश्वर के अंदर हो एक हम अपना पहला सत्र यहाँ तक रखेंगे आ, मैं आपको दूसरे सत्र में मिलूंगा धन्यवाद